Yesterday we have discussed that the government has brought so many changes. First was increased competition. Then it was more demanding consumer. ठीक है, then it was market orientation. तो क्या इन changes का मेरे managers ने क्या response दिया? How the managers they reacted? That is what managerial responses. Managerial responses to changes in business environment. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एलपीजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, गवर्नमेंट ने कंपटीशन को बढ़ा दिया, मार्केट में रहने वाला मेरा कंज्यूमर बहुत ज्यादा अवेयर हो गया. इन सारी चेंजेस का हाउ द मैनेजर्स रिस्पॉन्डेड. ठीक है, मैनेजर्स ने अब अपने बिजनेस एनवायरमेंट में क्या क्या चेंजेस लेके आए, हाउ दे रिएक्टेड टुवर्ड्स दीज चेंजेस, बिकॉज दीज चेंजेस आर अनकंट्रोलेबल, दीज चेंजेस वर नॉट इन देयर हैंड, सो हाउ दे रिस्पॉन्डेड टुवर्ड्स दैट चेंजेस, दैट इज द टॉपिक. ठीक है, न्यूली इंट्रोड्यूस टॉपिक है, पिछले दो सालों से ही इंट्रोड्यूस हुआ है. आई सेंड यू द पीडीएफ, फ्रॉम दैट पीडीएफ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द पॉइंट्स. फर्स्ट इज एक्विजिशंस, एक्विजिशन का मतलब क्या है, किसी चलती चलाती कंपनी को खरीद लेना, और मर्चेंट का मतलब क्या है, दो कंपनीज मिलकर एक नई कंपनी बनाती है. ठीक है, या एक चलती चलाती कंपनी को अपने आप में मर्ज कर लेती है, अपना ही नाम, उसका नाम खत्म हो जाता है. जिस कंपनी को आपने मर्ज किया, आप अपने ही नाम में उसे मर्ज कर लेते हैं. सो जैसे ही कंपटीशन बढ़ा, बिजनेस हाउसेस को लगा कि जब तक हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं करेंगे, तब तक हमारा कोई लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है मार्केट में. सो बाय फोकसिंग ऑन देयर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, they just came forward to acquire some running companies. ठीक है, जैसे जैसे उन्हें proposal मिलते गए, जैसे जैसे उन्हें market में opportunity मिलती गई, अपने business के area को expand करने के लिए उन्होंने acquisition और mergers का क्या लिया, सहारा लिया, ताकि big empire वो अपना खड़ा कर सके और market में हर तरह के competition को beat कर सके. बहुत ही अच्छी और live example है हमारे पास. Like he says, when the purpose of these acquisition and mergers were to achieve entry dominance in the market, access to their technology. aap aisi company ke sath merger karte hain, aap aisi company ko acquire karte hain jis field mein aap jana chahte hain, like gaining the control over L&T. reliance ka aaj se pehle, jab tak usne iske acquire nahi kiya tha LOT ko, tab tak reliance ka construction industry mein koi bhi entry nahi thi. so in order to ensure its entry in building and construction area, Reliance took the majority of the control over this L&T. L&T kya kaun si company hai, Larsen and Toubro. so is construction company ka maximum gain control ke upar gain इन्होंने अटेन किया, means acquire कर लिया company को या merge कर लिया, in order to ensure the entry in the construction area. ठीक है, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग एरिया में बिल्डर्स थे ये लोग. ये कंपनी बिल्डिंग का काम करती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते थे, रोड डैम्स बनाने में इनका, रियल एस्टेट तो होता है ना, बना बनाया बिल्डिंग बेचना और सेल करना, ये कंस्ट्रक्शन हाउस था. ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन हाउस में रिलायंस ने इसको क्या कर लिया, अपने आप में मर्ज कर लिया, और मेजर मेजोरिटी ऑफ कंट्रोल के ऊपर अब रिलायंस का इस कंपनी में क्या है, होल्ड है. so in order to expand, main acquisition or merger ke piche karan yahi rehta hai expansion ke liye, kyunki government ne jab competition market mein beintaha aur spear kar diya, to apni aap ko survive karne ke liye aapko apne aap ko grow karna hoga, aapko apne aap ko expand karna hoga. so this was one reaction, this was one managerial response. then joint ventures of MNCs, jab LPG ho gayi to badi badi companies india mein aana चाहती थी, लेकिन वो चाहती थी कि किसी इंडियन कंपनी के साथ हमारा मर्जर हो जाए, किसी इंडियन कंपनी के साथ हमारा जॉइंट वेंचर हो जाए. सो विद दैट जॉइंट वेंचर दे स्मूथली एंटर्ड इन आवर इंडियन इकोनॉमी. तो हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लाइक जनरल मोटर्स एंटर्ड थ्रू जॉइंट वेंचर विद हिंदुस्तान मोटर्स, फोर्ड एंटर्ड विद महिंद्रा एंड महिंद्रा. तो फोर्ड का बिजनेस, फोर्ड की गाड़ियां हम चलती देखते हैं ना इंडिया की रोड्स पे भी, तो इसने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ क्या किया, जॉइंट वेंचर किया. सिमिलरली सुजुकी का, जापान की कंपनी है, उसका हमारी इंडियन कंपनी मारुति के साथ क्या है, जॉइंट वेंचर है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस जॉइंट वेंचर दे जस्ट एंटर्ड, दिस इज अगेन द मैनेजरियल रिस्पॉन्सेस ऑफ अदर कंपनीज ऑफ अदर नेशन टुवर्ड्स द चेंजेस विच आर अकरिंग इन आवर
current scenario in our surroundings, in our business environment. So joint ventures took place. Then third is brand building. अपना नेम और फेम एस्टैब्लिश करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए अब कंपनीज ने खर्च करने शुरू कर. That is what brand building, right? तो क्या लिखा है उसने इसमें? Many companies are increasing their expenditure to enhance their brand through promotional activities and they are engaging themselves in sale promotional activities. Sale promotional activities क्या हो सकती हैं? Buy one get one free. That's 25% extra. Eatable items के केस में, ठीक है? और करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट कैंपेन पे खर्च करते हैं. तो कहता अपने ब्रांड की लॉयल्टी बनाने के लिए एक कंपनी है जिसका नाम सबको पता है, कोरियन कंपनीज है, हुंडई, एलजी एंड सैमसंग. तो दे स्पेंट अ लॉट एंड दे गेट गॉट अ नेम इन द मार्केट. आईफोन के बाद सैमसंग के फोन की मैक्सिमम मार्केट शेयर है भाई, और हुंडई की भी बहुत सारी गाड़ियां हम सड़कों में देखने को हमें मिलती है. सिमिलरली एलजी के प्रोडक्ट हर घर में यूज करते हैं. दो दीज थ्री कंपनीज आर द कोरियन कंपनीज, बट इवन देन दे बिल्ड अ गुड नेम इन द मार्केट बिकॉज द गवर्नमेंट हैज परमिटेड देम. दे कैन कम टू द आवर नेशन एंड दे कैन हैव द बिजनेस इन आवर नेशन. सो ब्रांड बिल्डिंग, देखा देखी इंडियन कंपनीज ने भी अपनी ब्रांड का नेम और फेम एस्टैब्लिश करने के लिए लाखों करोड़ों रुपया एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना शुरू कर दिया. देन फोर्थ वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग. इस पे क्या असर पड़ा हमारे चेंजेस का? सामान तो कस्टमर के डोरस्टेप तक पहुंचाती है. लाइक वी कैन हैव द एग्जांपल ऑफ दिस एमवे, ठीक है. वी कैन हैव द एग्जांपल ऑफ यूरेका फॉर्ब्स. इनका बस कंपनी का आउटलेट रहता है और उसी आउटलेट से ये सामान डायरेक्टली कंपनी अपने कस्टमर्स के डोरस्टेप तक पहुंचाती है. सेलिंग गुड्स थ्रू डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया भाई. बीच में इंटरमीडियरी होलसेलर्स, एजेंट्स और रिटेलर बीच में से सब्ट्रैक्ट हो गए और डायरेक्ट सामान अब लोगों तक पहुंचने लगा है. यू कैन व्हाट द एग्जांपल ऑफ योर ई कॉमर्स आल्सो, ई बिजनेस आल्सो. जब ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो बीच में इंटरमीडियरी नहीं है. वैसे आपको आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ये जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट है दे आर बेसिकली द इंटरमीडियरी, लेकिन ये हम तक सामान पहुंचाते हैं. ये सिर्फ मार्केटिंग का काम करते हैं. इनके मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाई अप है और उसकी हेल्प से हम ऑर्डर इनकी साइट पे प्लेस करते हैं और ये आगे मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर प्लेस करके दे सेंड द गुड्स एट आवर डोरस्टेप. बट हमारी पॉपुलेशन सेव हो जाती है. नो नीड टू रोम हियर एंड देयर टू बाय द थिंग्स. घर बैठे बैठे विद अ सिंगल क्लिक वी कैन प्लेस द ऑर्डर, राइट? सो दिस इज गोइंग टू हैपन. डायरेक्ट सेलिंग हो गई. लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, कंपनीज ने अब टेक्नोलॉजी के बेनिफिट को समझना शुरू किया और अपने बिजनेस हाउसेस में अपर डिटेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी प्रपोजल उन्होंने अप्रूव कर दिया. दैट इज फॉर फिफ्थ पॉइंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. आप एडवर्टाइजमेंट में भी देख लो, न्यू एनिमेशन है, न्यू कलर स्कीम है, न्यू वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एड है, ठीक है. तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हो रहा है. आर आए दिन नए प्रोडक्ट साइंस से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेटेड मार्केट में आ रहे हैं. सो दैट इज ऑल्सो हैपनिंग ड्यू टू द यूजेस ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. So to capture the market, companies और पुराना कभी 6 महीने के बाद नया मोबाइल का वर्जन मार्केट में लॉन्च हो जाता है. It means कि they are always being engaged in the uses of latest technology. तो पुराने मॉडल हमें कहाँ मिलते हैं मार्केट में दोबारा से? ना ही उनके स्पेयर पार्ट्स मिल पाते हैं because the company is focusing upon the uses of latest technology. तो हर फील्ड में कंपनी से अपना नाम और मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू कर दिया. Then compensation of personal. Personal का मतलब है group of person. आज से पहले कहाँ थी? ये 15-20-30 साल पहले ही हुआ है कि companies ने human beings को human beings की तरह treat करना शुरू किया. Otherwise earlier they were using them like slaves. They were taking the work from them like machines. But nowadays the workers are being given the maximum importance because they realize without workers we are nothing. So this is what we call compensation of. लाखों करोड़ों में पैकेज होते हैं भाई अब हमारे एम्प्लॉइज के और अच्छा सैलरी पैकेज देती है हमारी अब ये कंपनीज, ठीक है. क्योंकि अगर आपने टैलेंट को यूज करना है देन यू आर सपोज टू गिव देम देयर डिजायर्ड कॉम्पनसेशन, देन ओनली यू विल बी एबल टू रिटेन देम. तभी आप उन्हें अपने बिजनेस हाउस में ज्यादा टाइम के लिए रिटेन कर पाएंगे. यू कैन इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पर्सनल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट. Then customer focus, कभी डिस्कस किया था जो मार्केटिंग ऑरिएंटेशन था.
customer or consumer focus. Now our managers are entrepreneurs. They realize कि customer को focus किए बिना और customer को satisfy किए बिना हम market में long period तक exist नहीं कर पाए. So in order to ensure their long term existence, they started giving the importance to the consumer needs, their desires. What the consumer want, what he doesn't want. ठीक है. Every desire or need of the consumer you just want to fulfill in order to ensure your long term existence in the market. Okay, so these are the 7 managerial responses towards the changes in your BE, that is business environment. So next topic I am going to pick, that is demonetization. Let's proceed to that. I am repeating, it is an act of the government of cancelling the legal tender status. What is the meaning of legal tender status? Means अब legally वो note accept नहीं होगा. तो 8th November 2016 में legal tender status खत्म कर दिया गया. 500 रुपीस के नोट का और 1000 रुपीस के नोट का इंडियन मार्केट में सर्कुलेशन खत्म कर दिया गया और इसी प्रोसेस को हम डीमोनेटाइजेशन कहते हैं. Right, so demonetization is a process, it is an act through which we just stop the legal status, tender status of a particular currency, right? Then he says this is not a first time that in India in 2016 the demonetization occurred. Earlier also independence ke baad bhi kuch years aapko de rakhe hain, like in 1946 इवन इंडिपेंडेंस से पहले, देन 1954 और उसके बाद 1978 में भी डीमोनेटाइजेशन हुई थी. और डीमोनेटाइजेशन के पीछे मकसद यही होता है कि लोगों के पास जो ब्लैक मनी है वो भी मार्केट में आएगी, वो अपने घर में कितना पैसा जमा करके रखेंगे. सो उनसे पेनालिटी और टैक्स लिया जाएगा. बट हमारा वो मुद्दा इस 2016 की डीमोनेटाइजेशन में पूरा फुलफिल नहीं हो पाया. बट इवन देन गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड गवर्नमेंट टुक द स्टेप, राइट? दैट इज व्हाट वी कॉल डीमोनेटाइजेशन. Then we have features of demonetization. Features of demonetization: elimination of black money. ठीक है, जब हम लोगों ने कुछ नोट ही बोल दिया कि ये नोट मार्केट में अब चलेंगे नहीं, तो जिन्होंने भी ब्लैक वोटिंग करके ये पैसा ब्लैक मनी के फॉर्म में घरों में दबा के रखा है, तिजोरियों में बंद करके रखा है, तो उन्हें भी हम लोगों ने फोर्स कर दिया कि वो अपना मार्केट में पैसा लेके आएंगे और बैंक में क्या करवाएंगे, डिपॉजिट करवाएंगे. इरेडिकेशन ऑफ करप्शन, करप्शन को खत्म करना भी हमारा मकसद था. इरेडिकेशन ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार को खत्म करना. हाउ कम? हाई वैल्यू करेंसी नोट्स आर कॉमनली एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ ब्राइब. बिल्कुल ठीक है, रिश्वत लेने के लिए कभी भी कोई छोटे नोट एक्सेप्ट नहीं करता, बड़े नोट एक्सेप्ट करते हैं. तो जिन जिन्होंने भी ब्राइब्स लिए होंगे वो उनके पेपर में मेंशन मनी नहीं होगी, वो लीगल मनी नहीं होगी, तो दे विल आल्सो कम फॉरवर्ड एंड दे विल बी डिपॉजिटिंग देयर इललीगल मनी इनटू देयर बैंक्स इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इनटू एक्सेप्टेबल करेंसी. तो करप्शन के ऊपर लगाम लगाने के लिए भी डीमोनेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस हमारे गवर्नमेंट के हाथों में रहता है. Elimination of counterfeit currency. What is the meaning of counterfeit currency? Let me tell you. Elimination का मतलब खत्म करना और counterfeit currency को खत्म करना मतलब note ban would be applied as a elimination of counterfeit currency. Counterfeit currency enhances money in circulation and contributes to inflation. काउंटरफीट मनी वो होती है जो मार्केट में बेइंतहा आती है, या हो सकता है नकली नोट आए जिसके कारण मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है. मार्केट में जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना इन्फ्लेशन बढ़ेगा. ठीक है, तो हम चाहते थे कि मार्केट में पैसे की कमी हो ताकि इन्फ्लेशन के ऊपर भी कंट्रोल लगे. सो इट रिस्ट्रिक्ट्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. काउंटरफीट करेंसी एनहांसेस मनी इन सर्कुलेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इन्फ्लेशन. तो वी वॉन्टेड कि हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन कम हो, सो दैट्स वाई डीमोनेटाइजेशन step has been taken by government in 2016. Rise in government revenue. Government ka revenue kaise badhega? Jinka bhi illegal money hoga ya black money hoga, us black money ko hum sara jabat nahi karenge, uska 20 ya 30% aapko government ko tax jama karwana padega.
क्रिएटिंग डिजिटल इकोनॉमी, हम कैशलेस इकोनॉमी क्रिएट करना चाहते थे, तो सारी पेमेंट सब कहता है डिजिटली होंगी, हार्ड कैश हम लोग कर्व ही कर देंगे, इसलिए डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भी हम लोगों ने डीमोनेटाइजेशन वाला स्टेप दिया. Another important feature of demonetization is the creation of digital economy. तो आज से पहले कभी सुना था कि maximum payment आप Paytm से कर रहे हैं, maximum payment आप UPI या Google Pay से कर रहे हैं? No. ठीक है. Now nobody wants to carry the cash with him or her. Everybody wants to make the payment through card, debit card, credit card और UPI के हम payment करना prefer करते हैं. तो digitalization economy में लेके आना भी एक मकसद था हमारी demonetization policy का. Now we have the benefit. जो features है maximum वही benefits बनेंगे, but let's proceed to the benefits. The first benefit is increased saving. Demonetization का मतलब क्या था? जो currency note अब market में नहीं चलेंगे उसे ले आओ और bank में जमा करवा दो, तो लोग खर्चेंगे कम और जितना भी पैसा उनके पास वो 500 और 1000 के नोटों का पड़ा होगा घर में, they will come to the bank and they will deposit it into the bank. That will be enhancing their saving and that will be curbing their purchasing power. Right, then lower lending rate, bank ne loans ke upar bhi rate of interest kam kar diya. Kaise? With currency demonetization, money moves from people to bank and financial institution. अब बैंक्स के पास और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास ढेरों पैसा हो गया, मीन्स उसके पास सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज्यादा बढ़ गया. जब सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा हो गया मीन्स उसके पास डिपॉजिट्स के फॉर्म में बहुत ज्यादा पैसा आ गया, तो बैंक्स ने भी क्या किया? Therefore, there is a better circulation of currency for the banks and financial institutions have a lower cost of funds, which leads to lower lending rates. ठीक है, तो डिपॉजिट बढ़ जाने से बैंक का कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट तो इतना रहा नहीं, तो इसलिए बैंक ने अपने लोन्स के ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिया? कम कर दिया. बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होती है भाई? जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू बढ़ जाता है, तो यहाँ पे ब्लैक मनी के ऊपर लोगों ने खुद ब खुद टैक्स देना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ गया, गवर्नमेंट के खजाने में ज्यादा पैसे आने शुरू हो गए, विच द गवर्नमेंट फंड्स कैन बी स्पेंट अपॉन द डेवलपमेंट पर्पसेस एटसेट्रा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकते थे. तो इस तरह से डीमोनेटाइजेशन का ये भी फायदा हुआ. Since demonetization induced people to deposit their cash with the banks, there is a higher circulation of money in the economy. Government receives more taxes, right? Government का revenue बढ़ा, वो पैसा government अपनी development purposes के लिए use कर सकती थी. Curbing anti-social activities. Anti-social activities black marketing ही होता है भाई, black money होता है. Anti-social activities. इन एंटी सोशल असामाजिक तत्वों पे, असामाजिक गतिविधियों पे भी रोक लगाना हमारे डीमोनेटाइजेशन का बेनिफिट था. एंटी सोशल एलिमेंट्स लाइक यस, ये बड़ा अच्छी एग्जांपल दी है. टेररिस्ट को फंडिंग करते हैं भाई कुछ इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो पीसफुल एटमोस्फेयर को डिस्टर्ब करते हैं और वॉर को प्रमोट करते हैं टेररिस्ट. तो टेररिस्ट की फंडिंग पुराने नोटों में हुई होगी, तो गवर्नमेंट ने इमीडिएटली क्या कर दिया? डीमोनेटाइजेशन कर दिया. आप वो नोट तो मार्केट में चलेंगे नहीं, तो हाउ कैन द टेररिस्ट गेट द मनी फॉर देयर आर्म्स एंड एम्युनिशन? सो इन ऑर्डर टू कर्ब दैट एक्टिविटीज आल्सो दिस डीमोनेटाइजेशन हेल्प्ड अ लॉट. रिड्यूसिंग काउंटरफीट करेंसी नोट्स. ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन पीपल डिपॉजिट ऑल ओल्ड नोट्स विद द बैंक दैट चेक इफ द नोट्स आर जेन्युइन और काउंटरफीट बिफोर एक्सेप्टिंग. काउंटरफीट मैंने बोल दिया ना, जाली नोट, जो भी नोट उनके पास थे, ठीक है, वो लोगों को धोखा देने के लिए नकली नोट भी मार्केट में सर्कुलेट हो रहे थे, लेकिन बैंक्स ने नोट्स को डिपॉजिट करने से पहले चेक किया कहीं ये नकली या फोर्स करेंसी तो नहीं है, तो उस तरह से वो फोर्स करेंसी भी मार्केट में आई. ठीक है, देयरफॉर दिस अलाउज द गवर्नमेंट टू इलिमिनेट काउंटरफीट करेंसी. काउंटरफीट करेंसी हमेशा हमारी डेवलपमेंट को एक धक्का लगाती है. नकली नोट मार्केट में नहीं आने चाहिए, ठीक है, तो एक तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है. हाउ द पीपल दे आर प्रिंटिंग देयर ओन और मिंटिंग देयर ओन करेंसी इन आर ओन नेशन, और कई बार दूसरे देशों से भी हमारी करेंसी के नकली नोट मार्केट में सर्कुलेट हो जाते हैं. सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल दैट ऑल्सो दिस डीमोनेटाइजेशन प्रोसेस हेल्प अस अ लॉट. सो दिस वॉज अ न्यू टॉपिक स्टूडेंट्स विच आई सेंड यू इन द फॉर्म ऑफ PDF. यू नीड टू रीड दैट PDF. जितने पॉइंट मैंने डिस्कस करे हैं वो खुद पढ़िएगा एंड ट्राई टू गेट इट. You are facing any problem, again we will discuss, right? Only one topic from your NCERT has been left, that is economic
development or economic environment in India. So he is talking about from 1946 to 1991 or present scene ke saath comparison karke usne economic policies ki baatein kari hai. So that we will pick by tomorrow, right? Ab kisi ko koi doubt, koi confusion hai, to you may ask.